नमस्कार, मैं उप्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। हमारे सभी व्यूअर्स को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब चले बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। हरियाणा लोक सेवा आयोग HPSC ने निकाली रिक्तियां। किसी भी हाल में जातीय जनगणना करवाकर ही मानेगी जदयू। 75वां स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बनाया रिकॉर्ड। बिहार के बाद अब यूपी में किस्मत आजमाएंगे चिराग पासवान। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह गया से शुरू करेंगे जन आशीर्वाद यात्रा। अब चले बढ़ते हैं बिहार की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। 75वां स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बनाया रिकॉर्ड। आज पूरे देश में 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर बिहार में भी झंडोत्तोलन कार्यक्रम का आयोजन करवाया गया। हालांकि इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने झंडा तो फहराया ही, साथ ही साथ अपने नाम एक अनोखा रिकॉर्ड दर्ज किया है। देश भर में मनाई जा रही अमृत महोत्सव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के रूप में पटना के ऐतिहासिक मैदान में 15वीं बार ध्वजारोहण किया है। सूचना एवं जनसंपर्क तथा जल संसाधन मंत्री संजय झा की माने तो मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रूप में लगातार 15वीं बार उन्होंने ध्वजारोहण किया है। हम क्या यह लंबा कार्यकाल उम्मीद यही जगाता है कि एक लोकप्रिय चेहरा वो आज भी बिहार के हैं, जिनका व्यक्तित्व और कुशल नेतृत्व क्षमता उन्हें विशिष्ट बनाता है। हरियाणा लोक सेवा आयोग HPSC ने निकाली रिक्तियां। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने हरियाणा सिविल सेवा न्यायिक शाखा परीक्षा के तहत सिविल जज जूनियर डिवीजन के 256 पद के लिए आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास कानून में स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 15 सितंबर 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट hpsc.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर देख सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। बिहार समेत पूरा देश आज 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस मौके पर बिहारवासियों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खास संदेश दिया है, जिसके तहत उन्होंने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राज्यवासी और देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम में आहुति देने वाले तमाम वीर सपूत और स्वतंत्रता संग्राम के तमाम सेनानियों को नमन करते हुए कहा कि उनकी शहादत और कुर्बानियां सदा अमर रहे। उनके संघर्ष और कुर्बानी के कारण ही हम सबों को आजाद का यह महान तोहफा मिला है। उन्होंने राज्य और देशवासियों से अपील की है कि वो आपसी भाईचारा, मेलजोल, सद्भाव, सहिष्णुता का वातावरण बनाए रखें, देश की आजादी को हमेशा याद रखें। सोमवार को खुलेंगे प्राइमरी और मिडिल स्कूल। कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद आखिरकार सोमवार से प्राइमरी और मिडिल स्कूल को खोलने का फैसला जारी कर दिया गया है। लंबे समय के बाद दोबारा से स्कूल खुलने पर छात्र छात्राएं भी काफी खुश हैं। इसी बीच स्कूल खोलने से पहले स्कूल में साफ सफाई और तैयारियों का जायजा भी लगातार लिया जा रहा है। इतना ही नहीं, स्कूल खोलने के फैसले पर स्कूल के शिक्षक भी काफी प्रसन्न नजर आ रहे हैं। शिक्षकों का कहना है कि स्कूल को खोलने से सरकार के फैसले को हम स्वागत करते हैं। बच्चों को अभी तक ऑनलाइन माध्यम से ही पढ़ाया जा रहा था, अब से स्कूल आकर बच्चे बेहतर पढ़ाई कर सकेंगे। सरकार का फैसला सराहनीय है। बिहार के बाद अब यूपी में किस्मत आजमाएगी चिराग पासवान की पार्टी। बिहार में भले ही चिराग पासवान को कुछ भी खास हासिल नहीं हुआ हो, लेकिन उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से चिराग पासवान को काफी उम्मीद है। यही कारण है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर लोजपा ने अभी से ही तैयारी शुरू कर दी है। इस बाबत चिराग पासवान ने अपना पक्ष साफ कर दिया है। हाल ही में ETV भारत से बातचीत के दौरान चिराग पासवान ने साफ कहा है कि वो सिर्फ अपनी पार्टी और संगठन के विस्तार और हित के लिए काम करते रहेंगे। इन दिनों बिहार में उनकी पार्टी की तरफ से आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है, जिसे भरपूर जन समर्थन मिला है। उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जरूर लड़ेगी। जल्द ही वो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाकर पार्टी जनसभा और कार्यक्रम के जरिए विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से मजबूती से प्रदान करने का काम किया जाएगा। पटना के कस्टमर को नहीं मिल रहा बिजली का बिल। बिहारवासियों के सामने बिजली विभाग ने अलग परेशानी उत्पन्न कर दी है। बिहार के लगभग 17 लाख उपभोक्ताओं को बिजली बिल नहीं मिल रहा है, जिसमें सिर्फ पटना के 6 लाख उपभोक्ता है। पटनावासी बिल नहीं मिलने के कारण काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। सर्वर में आई खराबी को ठीक करने में बिजली विभाग को अभी लंबा समय लगने वाला है, जिसके बाद ही उपभोक्ताओं को बिजली बिल मिल सकेगा और फिर वो उसे जमा कर सकेंगे। हालांकि बिजली विभाग ने राहत की बात यह कही है कि उपभोक्ता को बिजली बिल भरने का समय दिया जाएगा। हालांकि यह परेशानी ग्रामीण, अर्धशहरी और अन्य इलाकों के 1,53,00,000 उपभोक्ताओं के साथ नहीं है। ऐसे उपभोक्ता को बिजली बिल मिलने या जमा करने में परेशानी फिलहाल सामने नहीं आई है। हाजीपुर में स्वतंत्रता दिवस पर दिखा अनोखा जश्न।
देशभर में 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। हालांकि देशभक्ति की मिसाल बिहार के अलग अलग जिले में देखने को मिली। ऐसा ही आलम बिहार के हाजीपुर जिले में देखने को मिला, जहां 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बाढ़ प्रभावितों के बीच पानी में बाढ़ प्रभावितों ने झंडोत्तोलन किया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने कहा कि चारों तरफ पानी ही पानी है। इसके साथ ही किसान मजदूर सब काफी ज्यादा परेशान हुए हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है, फिर भी आज हम लोगों ने भारत की 75वीं स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम से मनाई है। हम लोग देश के लिए सब कुछ करने को तैयार है। लोगों का कहना कि इस समय हम लोग प्राकृतिक आपदा का सामना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग स्वतंत्रता दिवस की धूम का हिस्सा बन रहे हैं। रेल मंत्री से बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने की मुलाकात। बिहार में उद्योग की आंधी लाने की जद्दोजहद में लगातार उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन लगे हुए हैं। इसी क्रम में आए दिन उद्योग से जुड़े कई जानकारी साझा करते रहते हैं। इसी बीच बीते दिन बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने दिल्ली के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की है और उनसे बिहार के हस्तशिल्प, खादी और हरकरघा उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री केंद्र खोलने के लिए अन्य राज्यों में रेलवे स्टेशन पर निःशुल्क जगह उपलब्ध करवाने की गुजारिश की है। इस बाबत उन्होंने कहा कि बिहार के बुनकरों और कारीगरों द्वारा बनाई गई चीजें देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत ज्यादा पसंद की जाती रही है। आजादी के इस शुभ अवसर पर बिहार का भी यही संकल्प है कि यहाँ की पारंपरिक उद्योग से जुड़े लोगों को आगे बढ़ाने की पूरी पूरी कोशिश की जाए। 24 घंटे में नए इलाकों में फैला बाढ़ का पानी। बिहार के कई जिलों में बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो गई है और आने वाले समय में और कई जिले इसकी चपेट में आ सकते हैं। इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि बीते 24 घंटे के अंदर नए इलाके में पानी फैलने से 3.5 लाख नई आबादी बाढ़ की चपेट में आ गई है, जिसके बाद बाढ़ प्रभावित कुल आबादी की 20.41 लाख पर पहुंच गई है। यह सभी लोग उन्हीं 15 जिलों के हैं जहां बाढ़ का असर काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। ऐसे जिलों के 88 प्रखंड की कुल 570 पंचायतें बाढ़ से आंशिक रूप या फिर पूरी तरीके से प्रभावित हो गई है। हालांकि आपदा प्रबंधन विभाग इन जिलों में राहत बचाव का काम तेजी से कर रही है। साथ ही सभी प्रमुख नदियों के जलस्तर पर जल संसाधन विभाग के इंजीनियर के साथ लगातार निगरानी का काम किया जा रहा है। प्रभावित इलाकों में आवागमन जारी रखने और जरूरी सामग्री पहुंचाने के लिए चलाई जाने वाली नाव की संख्या भी 1948 कर दी गई है। मंत्री बनने के बाद पहली बार पटना आ रहे हैं आरसीपी सिंह। मंत्री बनने के बाद पहली बार जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह राजधानी पटना आ रहे हैं। वो कल यानी कि सोमवार को पटना पहुंचेंगे। हालांकि उनके समर्थकों ने उनके स्वागत की भव्य तैयारी कर ली है, जिसके तहत एयरपोर्ट से लेकर जदयू कार्यालय तक रोड शो किया जाएगा। साथ ही कार्यालय में भी उनके भव्य स्वागत को लेकर खास इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके साथ ही आने वाले 3 दिनों तक उनका भव्य स्वागत बिहार में किया जाएगा। इसके अलावा आरसीपी सिंह के स्वागत के लिए पूरे पटना में अलग अलग जगह पर पोस्टर लगा दिए गए हैं। आपको बता दें आरसीपी सिंह 16 अगस्त को पटना आने के बाद अगले 3 दिनों में पटना के अलावा नालंदा और शेखपुरा के कई कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस भी जल्द आ सकते हैं राजधानी पटना। बिहार में जारी राजनीतिक उठापटक के बीच लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री पशुपति कुमार पारस अपने संसदीय क्षेत्र हाजीपुर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने और लोगों के बीच राहत और बचाव कार्य की समुचित व्यवस्था करने के लिए बिहार आ सकते हैं। इतना ही नहीं, इस बाबत उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी हाजीपुर के लोगों की मदद करने के लिए एक चिट्ठी जारी की है, जिसके तहत लोजपा प्रवक्ता श्रवण कुमार अग्रवाल ने बताया है कि केंद्रीय मंत्री अपने क्षेत्र के लोगों से लगातार संपर्क में हैं और उनकी यही कोशिश है कि मुख्यमंत्री का ध्यान भी इस तरफ आकृष्ट किया जाए, जिसके बाद उम्मीद यही जताई जा रही है कि पशुपति कुमार पारस अगले कुछ दिनों में बिहार आ सकते हैं। संसद का सत्र खत्म हो जाए उसके बाद उनके पटना आने की स्थिति साफ हो जाएगी। आपको बता दें लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी लेने के बाद पशुपति पारस ने केंद्रीय मंत्री की जिम्मेदारी संभाली है, जिसके बाद अब जल्द ही वो राजधानी पटना में नजर आ सकते हैं। किसी भी हाल में जातीय जनगणना करवाकर ही मानेगी जदयू। जातीय जनगणना का मुद्दा इन दिनों बिहार की राजनीति में गरमाया हुआ है। जहां एक तरफ सरकारी पक्ष से जदयू इसके पक्ष में है, तो वहीं भाजपा इसके विरोध में है। इसके साथ ही इस मामले में जदयू को विपक्ष का भी साथ मिला है। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि शायद भाजपा की तरफ से किए जा रहे विरोध के बाद जदयू इस मुद्दे को लेकर पीछे चली जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी होता दिखाई नहीं दे रहा है और इससे साफ संकेत दिए जा रहे हैं कि जदयू के कद्दावर नेता ने भी अब मंत्री अशोक चौधरी की अगर हम माने तो वो इसको लेकर अपनी स्थिति साफ कर चुके हैं। इस बाबत मीडिया हाउस से बातचीत के दौरान उन्होंने साफ कहा है कि जातीय जनगणना नहीं करवाया जाए, इसको लेकर अपर कास्ट के लोगों में भ्रम पैदा किया जा रहा है, जो पूरी तरह से भ्रामक और गलत है। जातीय जनगणना कराना है या नहीं, यह फैसला तो केंद्र सरकार के हाथ में है, लेकिन इस मुद्दे को लेकर जदयू पूरी तरीके से डेडिकेटेड है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह गया से शुरू करेंगे जन आशीर्वाद यात्रा। इन दिनों बिहार में आशीर्वाद यात्राओं का दौर लगातार जारी है। जहां एक तरफ चिराग पासवान अलग अलग जिलों में जाकर आशीर्वाद यात्रा कर रहे हैं, दूसरी तरफ जदयू अलग अलग जिलों में अपने संगठन को मजबूत करने में लगी हुई है। इसी कड़ी में अब भाजपा भी 19 अगस्त
से जन आशीर्वाद यात्रा पर निकलने वाली है, जिसका नेतृत्व केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह करने वाले हैं। इस यात्रा में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजू जायसवाल, उद्योग से जिला प्रभारी मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन, प्रदेश संगठन महामंत्री नागेंद्र, सांसद सुशील कुमार सिंह सहित पार्टी के दिग्गज नेता भाग लेने वाले हैं, जिसकी शुरुआत गया एयरपोर्ट से होगी और बोधगया तक जाएगी। जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर भाजपा कार्यालय में जिला स्तरीय पदाधिकारी की बैठक भी हुई है। सिराज ने जश्न बनाने के नए तरीके पर तोड़ी अपनी चुप्पी। लॉर्ड्स में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में टीम इंडिया इंग्लैंड को बढ़त बनाने से रोकने में कामयाब रही है, जिसके तहत मोहम्मद सिराज ने 4 विकेट लेकर भारत को मैच में बनाए रखा है। हालांकि इन सबके बीच मोहम्मद सिराज के जश्न मनाने के नए तरीके के कारण उनकी काफी आलोचना देखने को मिल रही थी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, जश्न मनाने के दौरान सिराज अपने मुंह पर उंगली रखते हुए नजर आते हैं, जो कि आलोचकों को पसंद नहीं आई है। लेकिन इस बाबत अब सिराज ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और कहा है कि यह आलोचकों के लिए है जो मेरे बारे में बहुत गलत बोलते आए हैं, मसलन मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, और अब मेरी गेंद उन्हें जवाब देगी। यह जश्न का मेरा नया अंदाज है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, देश की आजादी में आप किस असली योद्धा की भूमिका सबसे अहम मानते हैं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।